हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और कैसे हो आप सभी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत ब्रेस होंगे। तो काफ़ी टाइम बाद, दो दिन के बाद आप लोग के साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ। दो दिन का गैप हो रहा है। चलो कोई बात नहीं, कोशिश करूंगी कि रोज़ आप लोग के साथ वीडियो शेयर करूंगी। बट आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ अपनी चूड़ी का कलेक्शन। वैसे तो मुझे डेली अच्छा लगता है कि दो चूड़ी ही हाथ में रहे, बट मैंने बहुत सारा कलेक्शन किया है चूड़ियों का, ऑनलाइन ऑफलाइन जहाँ से मुझे मिल सका मैंने वहाँ से ले लिया। तो सोचा आप लोग सब के लिए कलेक्शन वीडियो शेयर करूँ बैंगल सेट्स का। और मुझे प्राइस तो किसी का भी याद नहीं है, बट अगर ऑनलाइन का होगा तो मैं आप लोग से लिंक या जो है मीशो का कोड वगैरह मैं आप लोग साथ शेयर कर दूँगी। और अगर आप मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो ना, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, और साथ के साथ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। और वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। चलो फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इसमें मैंने चूड़ियाँ रख रखी हैं सारी, अभी आप लोगों को दिख रहा होगा रिंग लाइट से, बट है खोलते हैं इसको। तो ये पूरा सेट मैंने चूड़ियों से भरा हुआ है, और बहुत सारी चूड़ियाँ थी तो वो जो है टूट गई थी बाकी, पर मैंने यहाँ पे ये सारी चीज़ें रखी हुई हैं। ये रहा। तो मैं कोशिश करती हूँ पास से दिखाऊँ। वाली जो चूड़ी है मेरी, ये मैंने गांव से परचेज की थी, ये वाली चूड़ी, ये लाख की है, बट इसका साइज मुझे अभी आ नहीं रहा इसलिए मैंने पहना नहीं है, पर ये मैं किसी पूजा में पहन सकती हूँ। और इसके अलावा ये छठे जब नेहल हुई थी तो उसका जो छठियार होता है ना, तो उसका सेट है, तो ये सेट ना थोड़ा बिगड़ गया, मतलब नॉर्मल पहनते पहनते तो ये ऐसे ही रह गया, और मैंने इसको रहने दिया क्योंकि कुछ निशानी के तौर पर मैंने रहने दिया है। ये मैंने मेकअप के लिए लिया था, ये वाला तो ब्लैक का तो ऐसे ही सेट था, बाकी मैं चाहूँ तो इसका कॉम्बिनेशन लगा के पहन सकती हूँ। और ये सारा चूड़ी का सेट था, बाकी इसमें येलो कलर की साड़ी पहनी थी मैंने जब रक्षाबंधन पे, तो उसका सेट बनवा के आई थी। मुझे चूड़ियों का बहुत शौक है, पहनती मैं बहुत कम हूँ क्योंकि डेली बेसिस पे भरे भरे हाथ पहन नहीं पाती। और ये चूड़ी मैंने आई थिंक ऑनलाइन परचेज की थी फ्लिपकार्ट से, जब मैं भाई जी की शादी पे जा रही थी ना तब, पर इसके बीच में ना मैंने ये मीशो के कड़े में लगाए थे। और मैं सच बताऊँ, ये मैं आप लोगों को ना सजेस्ट नहीं करूँगी, मत लेना, क्योंकि ये पहले ही दिन काले पड़ गए, पहले ही दिन, सच्ची बता रही हूँ। देखो ये चार कड़े मंगाए थे मैंने, काले पड़ गए, मतलब एक दिन भी अच्छे से इसकी शाइन नहीं रह पाई। इसके अलावा ये दो कड़े जो यही वाले हैं मैंने मिक्स करके रख दिए हैं, क्योंकि वीडियो में दिखते नहीं हैं, पर खैर मैं इसको पहनूंगी नहीं क्योंकि काले हो गए हैं। ये भी मैं गांव से लेकर के आई थी, ये लाख की चूड़ियाँ। लाख की चूड़ियाँ इतनी कुछ खास लंबे नहीं रहते हैं मेरे हाथों में क्योंकि ना टूट जाती है, कभी कुछ भी लगता है ना, किसी का भी कोना लगता है या मतलब कहीं भी मुझे चूड़ी लग जाती है तो टूट जाता है लाख की चूड़ी। तो ये गांव से खरीदा था, मुझे चूड़ियों का बहुत शौक है स्पेशली लाख की, बट नहीं पहन पाती क्योंकि टूट जाता है। ये मैंने लिया था आज से तीन से चार साल पहले जब ये वाली चूड़ी ली थी ना, तो ये मेरा फेवरेट चूड़ी हो गया था, तो इसलिए मैंने ये तीनों सेट एक साथ ले लिए थे, एक जैसे ले लिए थे। ये मैंने पहले ये लिया, फिर ये लिया, फिर ये लिया। तो ये वाली चूड़ी मैंने शायद 2 साल पहले करवा चौथ की है शायद से, मुझे याद नहीं आ रहा, बट ये उत्तम नगर की है, ये भी उत्तम नगर की है, ये भी उत्तम नगर की है। तो ये सारी क्वालिटी अच्छी है सबकी, पर ये ना बहुत पुराना हो गया है, ये हो गया है चार साल पुरानी चूड़ी होगी ये वाली, तो जिससे इसके कड़े के ना सारे नग वग सब निकल गए, इसलिए पहनती नहीं हूँ, पर यादें हैं तो इसलिए रहने देती हूँ। ब्लैक पड़ गया है इस चूड़ी का, मतलब चूड़ी ब्लैक पड़ गई है, बाकी ये बहुत अच्छी है, मुझे बहुत अच्छा लगता है इसमें ना, मतलब प्रिंट्स हैं ऐसे, देखो इसमें ये दुल्हन है, इसमें ये दूल्हा, मतलब दुल्हन है ये दूल्हा है। अभी नेल पेंट इग्नोर करना, लगाना है मुझे। और ये वाला सेट भी मुझे बहुत पसंद है, ये देखो मेरी चूड़ियों का कलेक्शन। अभी और है ये जो लगाया था जो मैं निकाल नहीं सकती हूँ वो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, बाकी ये रखे हैं ये सारे, मैं अभी निकाल के आपको एक एक करके दिखाती हूँ और बताना आप लोग कैसा लगता है, ठीक है। अब सारी चूड़ियां निकालती हूँ एक एक करके, और इसके लिए पतिदेव की हेल्प ली है कि वो वीडियो बना दे, ऐसे छुट्टी पर आज थोड़ी देर कर ही सकते हो। मेरी निकाल लिया है, तो सारी चूड़ियों को निकाल लिया है मैंने बाहर, और अब आप लोगों को एक एक करके, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं ऑनलाइन वाले से। तो ये मैंने मीशो से परचेज किया था, बहन की शादी में सोचा था पहनूंगी, और शायद मैंने यही पहना था, हाँ यही पहना। देखो कितना खूबसूरत है,
और सच में बहुत रीजनेबल है। इसको क्लोजअप करके दिखाना, इसकी शाइन बहुत खूबसूरत है। और इसलिए इसमें ना ये ब्लैक भी नहीं पड़ा, जो येलो कड़ा था ना ये ब्लैक भी नहीं पड़ा, बहुत खूबसूरत छुरा है ये देखो। और ये मेरा जो है छुरा कलेक्शन नंबर 1 है। अभी मेरे पास 2 हो गया, एक और था मेरे पास जो आपको दिखा दिया, ये 2 है। और ये मैंने करवा चौथ पे बनवाया था कड़े का सेट, इतना खूबसूरत है ना। ये मैंने ऑफलाइन बनवाया था अपने ही यहाँ से, और ये मुझे कुछ 450-450 रुपये की पड़ी थी चूड़ी का सेट, कि पता नहीं शायद महंगा ही पड़ा था मुझे, क्योंकि इसकी कड़ी ना बहुत मतलब बहुत हुए हैं एक्सपेंसिव थे। ये है चूड़ी का सेट, खूबसूरत है ना। कमेंट करके बताना आप लोगों को कौन कौन सा चूड़ा पसंद आ रहा है। ये मेरा मतलब ये हर किसी के साथ चला जाएगा, चूड़ा चूड़ा नहीं चूड़ी है। ये मुझे मेरी सिस्टर इन लॉ ने, मेरी जो बड़ी वाली दीदी है ना, उन्होंने मुझे गिफ्ट किया था ये चूड़ी, बहुत खूबसूरत है ये वाला भी। खूबसूरत सा ये कड़ा सेट जो ये मेरे पास एक और पड़ा, मैंने आपको 3 दिखाई दी ना, उसी में से एक हिस्सा है। और गांव से मैं ये वाला भी लेकर के आई थी, लाख की चूड़ी, जो मुझे वन ऑफ द फेवरेट है ये। मतलब इस चूड़ी को कुछ होता है तो मुझे बहुत दुख होता है, क्योंकि ये मैं बहुत दिन से लेकर के आई थी। एक मिनट इसको ठीक करती हूँ, गाँव से इस चूड़ी को, क्योंकि ये ना एक तरह से हम लोगों में ब्राइडल चूड़ा कहते हैं इसको, तो इस वजह से तो ये हमारा लाख की चूड़ियों का ब्राइडल सेट है, जो हम शादी वादी में पहनते, शादी के बाद पहनते हैं, क्योंकि हमारे में लाख की ही चूड़ी शादी के बाद 1 साल तक पहनी जाती है। तो ये जो है शादी, ये मैं गांव से लेकर के आई थी, और अभी मैंने रिसेंट में मीशो से बनवाया था ये फोटो चूड़ा। एक तो सबके ना गत्ते इतने बड़े बड़े ना चूड़ी के बॉक्स के, कि वो रहते ही नहीं है। देखो ये चूड़ी मैंने मीशो से बनवाया था, ये 400 रुपए का ये फोटो चूड़ा, 400 रुपए में आप लोग भी बनवा सकते हो, बहुत सुंदर। और सबका साइज ना 2-8 या 2-10 होगा। तो ये है मेरा मतलब पूरा चूड़ियों का कलेक्शन सेट, और ये मैंने दिवाली पे परचेज किए थे कड़े। इसकी चूड़ी मुझे ध्यान नहीं है कहाँ रख दी है मैंने, पर इसके साथ चूड़ियाँ थी मेरी जो मैंने दिवाली पे पहना था, और इसके साथ की जो चूड़ियाँ थी ना वो सब टूट गई, क्योंकि ये लाख की थी सब टूट गई। बाकी मैं इन कड़ों को यूज कर सकती हूँ, किसी के साथ भी पेयर अप कर सकती हूँ, तो इसलिए मैंने ये रख लिया है। था चूड़ी कलेक्शन में, आई होप सो बहुत छोटा सा वीडियो बना मुझे पता है, पर कोशिश किया है कि मैं आप लोगों के साथ सारा जो भी चूड़ी कलेक्शन। हाँ एक और चीज, ये देखो मेरे शादी के टाइम का कलीरे, इसका बस ये ऊपर का ना निकल गया है एक ऐसा जो था, बाकी मैंने इसको बहुत संभाल के रखा है, अभी तक काला नहीं पड़ा। ये देखो कितना सुंदर है ना, मेरे को बहुत पसंद है ये, बहुत मतलब ये इतना पसंद है कि टूटने के बावजूद मैंने इसको रखा था, कुछ यादों के तौर पे रखा हुआ मैंने। और नेक्स्ट कौन सा कलेक्शन आपको देखना है वो मुझे बताना, भी तो मैंने बहुत सारे गले के सेट भी मंगाए हैं, तो सोचो ना उसके भी कलेक्शन आप लोग के साथ शेयर करूं। और गिफ्ट्स देखने हैं क्या हमने शादी के टाइम, शादी से पहले या शादी के बाद कौन कौन से गिफ्ट्स मैंने जो है हम लोगों ने एक दूसरे को दिए हैं, तो वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। तो बताना जरूर कि आप लोग कौन कौन सा देखना है, कौन सा वीडियो पहले देखना है, ठीक है। फिलहाल यही था मेरा चूड़ियों का कलेक्शन, आई होप सो आप लोग को अच्छा लगा हो। कुछ चीज़ें खराब होने के बावजूद रखी है और यादों के तौर पे रखी है मैंने, तो यही था आज का वीडियो, आई होप सो आप लोग को अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, बाय।